बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुल मालिक। तो आज हम आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेके आए हैं। तो भाई, काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, क्योंकि मसला ये था कि आ गए थे हमारे बोर्ड के पेपर, तो अब पेपर वगैरह हो गए ख़त्म, छुट्टियां उरूज पे, फुल मज़े चल रहे हैं छुट्टियों में। तो आज थे 14 अगस्त का दिन, तो आज हमने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाएं। तो भाई, सीन तो ये है कि कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। अभी भी बारिश होके हटी है मुसलसल, एक महीने से वक्फे से बारिश हो रही है। तो ये चेक करें, सामने पूरे ग्राउंड में पानी, ये देखें बारिश के बाद, ये अभी भी बारिश हो रही थी, अभी कम हो गई है। तो भाई ये सीन है, ना कहीं जा सकते हैं ना कोई आ सकता है। तो 14 अगस्त का तो सीन होता है ये घूमने फिरने का, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं, फैमिली के साथ प्लान बन रहा था कि आज चलें लंच पे, तो सूरत हाल देखते हैं कि कितना पानी है, क्योंकि हम अभी शहर का हमने चक्कर नहीं लगाया। तो अभी आपको साथ लेके जाएंगे, आप भी देखिएगा क्या सीन है। तो भाई, बारिशें मुसलसल एक महीने के गैप से हो रही हैं, तो मौसम ऐसा हो गया फुल ठंडा, ऐसा जैसे सर्दियों में नहीं होता शुरुआत सर्दी की, वैसा मौसम हो गया। तो अभी भी है शायद, मेरे ख्याल में हल्की हल्की शुरू हो गई है। तो ये है, तो 14 अगस्त के लिए हम रात के अंधेरे में झंडा लेके आए थे, तो 12 बजे हमने रात को लगाया है, 12-1 बजे, तो टेढ़ा मेढ़ा लग गया है, अब नीचे आके पता लग रहा है। तो ऊपर चलते हैं, इसको पहले तो सेट करते हैं। भाई ये सूरत हाल है शहर की पूरे की, जगह जगह रोडों में पानी भरा हुआ है, बारिशों की वजह से रोडों का सत्यानाश हो गया, रेड लग गई रोडों की। ये बस इसी हिस्से पे है, आगे फिर मेन रोड आएगा, वो फिर भी इससे तो साफ ही होगा। भी फैक्ट्रीज वाले हैं, वो अपना सारा जितना भी उनकी फैक्ट्रियों में पानी भरा हुआ है वो सारा उन्होंने रोडों पे छोड़ दिया है, तो यही हाल होगा। आगे तो क्लियर लग रहा है सारा, आगे फिर भी सही है, क्लियर है। आगे आए हैं, थोड़ा सा फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, आगे करो मैंने स्क्रीन में, अभी थोड़ी स्लो हो गई है, बीच में भी तेज हो गई थी थोड़ी। बाकी मेन रोड्स पे तो पानी नहीं है, बीच में जो कट्स निकल रहे हैं उन पे काफी पानी भरा हुआ है, मतलब आधी आधी गाड़ियां डूब रही हैं अंदर। तो ये सूरत हाल है फिलहाल। हम आए हैं आरटी रेस्टोरेंट लंच करने, तो अभी अंदर चलते हैं। ये क्या है, लोबिया शायद, ये तुम खाते हो? खाना डालो सर, हम तो नहीं खाते। करो यार, नहीं भाई, बहुत ताकतवर होता है लोबिया, डालना चाहिए सैलेड में, ताज़ा ही है ना, बहुत ताकत आ जाएगी, ऐसा ना हो डोले फटते कई बार आ जाए। यूँ देखो, यूँ कर लो। एक है
सब मिक्स कर दूंगा मैं, बेफिक्र हो जाओ, सारा कुछ मिक्स। अब प्लेट दे दो। क्या दूँ? प्लेट प्लेट भरूंगा ना। ज़्यादा नहीं भरना? ज़्यादा क्यों नहीं भरना? फुल भरना है। फुल भरते हैं। जिसमें फुल नहीं भरा वो फेल है। नहीं नहीं यार, ये मैं ज़्यादा मीठा डाल दिया है। और क्या डालो? ये डालो कॉस में थोड़ी सी। हम सत्ता पाकिस्तान। बस सही है। हाँ सॉस में डाल लो। सॉस में डालो यार, थोड़ी सी जो डाल लो। यहाँ से कहाँ जा रहे हो? अगली बार तेरे को आने नहीं देंगे ये। साथ हम कौन सा फ्री में लेके जा रहे हैं? बादी की सॉस डालो कट्टी में। नहीं बादी की नहीं, बस यार ही डाल लो। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं ये वाली, ये वाली, ये तो बादी की है ना। ये डालो, ये सही है। वो मेयोनीज वाली होती है, अच्छी नहीं लगती। ये डालो थोड़ी सी। ये सारी बाहर गिरा दी तुमने? नहीं नहीं, ये सब अंदर चली आई। देखना हो गया? बस बहुत है। बहुत है, चलो आ जाओ। भागो। तो भाई आपको कुछ तरीके बताने सैलेड बनाने के। सैलेड बनाने जाएं कि इतना फुल कर लें कि नीचे गिरने लग जाए, फिर आप समझें आपके पैसे वसूल हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपनी प्लेट में निकाल लें किसी तरह। गलती कर दी मैंने, कांटे से निकाल रहा हूँ। भरी की जगह स्पून लेना चाहिए था। मजे की है, ठंडी ठंडी है। बनाई किसने? हैं मैंने बनाई है, मजे की होगी। तो भाई सबसे पहले ट्राई करें ढाका फिश, इसके ऊपर सॉस लगाइए। बहुत ज़बरदस्त आउट स्लैम, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल। देखें ये चेक करें, ये क्रिस्पी है अंदर से, देखें नरम, फुल सॉफ्ट और बहुत गर्म है। अब ट्राई करते हैं सीख कबाब। ये भी अच्छा, और अब इनकी ट्राई करते हैं ये हांडी। ओहो बहुत गर्म है यार। बहुत ही बेहतरीन हांडी है, फुल रिच क्रीमी,
बहुत क्रीमी है, जबरदस्त। तो भाई खाना वाना हमने खा लिया है, बहुत आउटक्लास खाना था, बहुत गर्म और बहुत मज़े का कि जिसकी हद नहीं। तो हैदराबाद में जितने भी रेस्टोरेंट्स थे ज़्यादातर जो अच्छे थे वो बंद हो गए। तो आरटी आज भी बिल्कुल वैसा ही है, काफ़ी अर्से बाद आरटी आना हुआ तो बहुत अच्छा था। तो अभी डेजर्ट का वेट कर रहे हैं, तो दिखाते हैं मेरा ब्लॉग नहीं बनाओ, मेरे को नहीं ब्लॉग। पहले ये डेजर्ट है पुडिंग, तो बताएं आप ये आपने मंगवाया कैसा? बहुत मज़ा आ रहा है यार, बेहतरीन है। अपनी दिखाओ। पास हो गया? हो गया, पास हो गया। मैंने मंगवाया था भाई फ्रूट ट्राइफल। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि फ्रूट ट्राइफल बोलते हैं फ्रूट की राइफल, हम तो इसको फ्रूट ट्राइफल ही बोलते हैं। तो ये है, इसमें फ्रूट्स हैं ऊपर, थोड़े जेली वगैरह है। तो टेस्ट करते हैं। बहुत मज़े का है, आउट क्लास। इतना ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्वीट है इसमें, कि एक बंदा आराम से खा सके। वरना बाज जगहों पे ज़्यादातर होता है ज़्यादा स्वीट होता है। तो ये खीर है, ये भी टेस्ट की बहुत बेहतरीन है। तो इन्होंने भी पुडिंग मंगवाई है, कैसी है? बहुत अच्छी है। खा लोगी पूरी? मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए। तो अब इसको एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। अब्बू ने खीर मंगवाई थी तो खा, कैसी है? बहुत आउट क्लास खीर है यार इनकी। अच्छा। बहुत मज़े की माशाल्लाह, सारा खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत डिलीशियस माशाल्लाह। You're so great, standing, talking. You got me checkmate. No one's watching, I know.